I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Black Gold. I am Desi Gora. Dr. Kanabat mujhe kehte hain ki mujhe mazid bahar nikalna chahiye. Kehte hain ki mujhe apne zehen ko naye logon aur tajrubat ke liye kholne ki zarurat hai. Main iske pesha varana kalchun ke saath bahas karne wala kaun hoon? जब मैं पोस्टमार्टम करता हूँ आप राक्षस के दूसरे मुतासिरीन की फाइलें ढूंढते हैं और कापियों बनाते हैं। पाउक ना करो, आपकी स्किल पर की महारतें काबिल इतराज हैं। क्या आपको मेरी 13वीं सालगिरह याद है जब अनकल फेस्टर ने मुझे वो लाश दी थी? आपने इस आदमी के मनी को काट दिया। नहीं नहीं, शानदार हेमातोमा, आप वहाँ हैं। जमीरात शाम सभा के 7:23 बजे। लाश एक 50 साल मर्द की है। दोनों हाथों पर जख्म और दिफाई जख्म जाहिर होते हैं। सीने और धर का जो कुछ बाकी रह गया है वो एक जुनूनी हमले की निशानदेही करता है। मौजू तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। ये दिलचस्प है। मजनू का बायों पांव गायब है। ऐसा लगता है कि इसे टखने से चबा गया है। किया आपने कहीं बायों पांव देखा है? पुरसुकून हो जाओ, कौन ना रहा है। दफ्तर वापस आने पर आपकी तारीफ करते हैं डॉक्टर। कोई मसला नहीं शरीफ, मैं मदद के लिए जो भी कर सकता हूँ। इन हलाकतों का जिम्मेदार कोई भी हो या कोई भी, अपने तमाम सालों में मैंने इन जैसी चोटें नहीं देखी थी। मैंने सोचा कि ताज़ा तरीन शिकार के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी करने से पहले आपको ये देखना चाहे। ये एक हकीकी नोडल सक्रीचर है। कातिल ने मक्तूल के बाएं पांव की दो उंगलियां काट दी। बेहतरीन अंदाजा, इन्होंने एक जर्राही आरी का इस्तेमाल किया। हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी बाकी है। जैसे ही आप काम कर लें इसे सीधे मेरी मेज पर भेज दी। उंगलियों पर मीडिया ब्लैक आउट। बिल्कुल शरीफ, चंद हफ्ते मसरूफ रहेगा। कम अज कम में अंदाज में बाहर जा रहा हूँ। जुमा मेरा आखिरी दिन है। रिटायरमेंट मुबारक हो डॉक्टर। मिसेज अनवर को 4 हफ्ते की सैर के साथ सरप्राइज करने वाला माइटे के लिए पसलियों के कंचों की तिजारत के लिए पुरजोश। अपने आप को बाहर देखें, मैं बंद कर दूंगा। मुझे याद नहीं कि ये अंदर आया है। मुकम्मल सख्ती, आपको मरे हुए कुछ अरसा हुआ है। लगता है कि आपको कोई इतराज नहीं होगा कि मैं आप को खोलने के लिए किसी और दिन का इंतजार करूंगा। मजीद 5 मिनट मैं बस आरामदा हो रहा था। यू सोला प्रगनेरा एन अलास द कांसियन। जब मैंने तजवीज़ किया कि आपके कमरे के पहलू में तब्दीली की जाए, मेरे जहन में टेड बंडी का पंटीरिस्ट नहीं था। अब भी इतना डरावना नहीं जितना आप कि भरे हुए एक तनगा वाला मजमुआ। किया आप कल रात उसी लिए बाहर निकले थे? चीज़ और मी ने इफरीत के मुतासरीन की फाइलों की कापी करने के लिए मुर्दा खाने का गैर मंजूर शुदा सफ़र किया। ठीक है, इस बयान मीम की बहुत सी सतहें हैं। मैं नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूं। मुझे इसके सर के अंदर जाने की ज़रूरत है। किसी भी पैटर्न या बेजाबतगी को दरियाफत करें। मैंने पहले ही एक बड़ा इंकशाफ किया है। पता चलता है कि राक्षस के तमाम मुतासिरीन के जिस्म के अज़ा सर्जरी से निकाले गए हैं। पहला गुर्दा, दूसरा उंगली बुध मी महसूस नहीं करता, तीसरा एक पतताशी और मैटिंग हाउस से दाढ़ी वाला आदमी, दो उंगलियों। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? ये कत्ल बेजा नहीं है। वो एक तजर्बा कार सीरियल कलर की तरह टिराफियन इकट्ठा कर रहा है। ये मुतासर किन है? असल में फ्लामेंट्स रियाचुलोज सोनरियंट्स महकने वाले नमकियात को हासिल करें। दोबारा रूजनोज टेनोज के कांटन, अगरचे ज्यादातर पौधे अपने जिर्मों को मीठे अमृत से नवाजते हैं, बहुत सी गोशत खोर कस्में जिनसी चालों का रुख करती हैं। या धोखा, मैंने अपनी पीठ पर बाड़ लगाई। आर्किड एक फेरोमोन पैदा करता है जो मादा कीड़े की नकल करता है।
मर्दों को अंदर लाना। अब एक बार जब पौधा पोलन हो जाए तो नर कीड़ों को बदले में किया मिलेगा। निदा, बिल्कुल उसी तरह जैसे रेव, इनके तमाम लड़के। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आप सब हफ्ता के बारे में पुरजोश हैं, उसी लिए मैं ने कोई होमवर्क नहीं दिया है। जी हाँ, लेकिन मुझे अभी भी डेकोरेशन कमिटी के लिए रजाकारों की जरूरत है। कोई भी दिलचस्पी रखता है यहाँ आकर मुझे देखो। क्या आप रजाकाराना तौर पर काम नहीं करेंगे? क्या आप डिस्को गेंदों और असपाक पंच के बारे में परेशान नहीं हैं? यहाँ तक कि एक डीजे है, एमसी ब्लड सकाज। मैं अपनी आंखों में सुई चस्पा करना पसंद करूँगा। मैं शायद वैसे भी करूँगा। या आप किसी को मधु कर सकते हैं और थोड़ा मजा कर सकते हैं। हमें ये करने की जरूरत है। जाबिर को बाढ़ लगाना से वो खरुंच नहीं आए, वो कुछ छुपा रहा है। मुझे लगता है कि हर फनकार को मौसीकी की जरूरत होती है। जाबिर, तुम अभी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गए। बुद्ध जाबियार, हेलो, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैंने अभी आपको इस तरह बाहर आते देखा है। ये कौन सी जगह है? ये मेरा नजरी आर्ट स्टूडियो की तरह है। मैंने इसे साफ किया, इसे ठीक किया तो वेमज ने मुझे इसे इस्तेमाल करने दिया। कितना बहुत कारोबारी, मैं अंदर देखना पसंद करूंगा। आप मुझे टूर क्यों नहीं देते? अभी नहीं, ये एक मुकम्मल गड़बड़ है। मैंने गुज़श्ता मौसम गर्मा में एक क्राइम सीन फोटोग्राफर को साया किया। मैं आसानी से परेशान नहीं हूँ। किसी और वक्त से ही तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैं मुहतरमा थॉर्नहिल के होम वर्क असाइनमेंट पर जाना चाहता था। इसने हमें होम वर्क नहीं दिया, याद है? आप वाकई यहाँ क्यों हैं? क्या ये किसी खास रकस के बारे में है जिसकी वजह से आप अपनी आँखों में सुइयां डालना चाहते हैं? शायद मैं सारे कान हूँ। बाज़ औक़ात इरादे खैर मुतवक़े मौका पर पिघल जाते हैं। अगर ये मेरे करीब और ज़ाती तौर पर उठने का मौका था, मुमकिना सीरियल कलर के साथ, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? क्या आप वाकई मुझसे पूछने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्या तुम करेगा? क्या आप मुमकिना तौर पर किसी खास के साथ रेव एंड डांस में जाने पर गौर करेंगे? करेगा। क्या आप मेरे साथ डांस करने जाएंगे? हम बुध में आपके साथ डांस में जाना पसंद करूंगा। मैंने सोचा कि आप कभी नहीं पूछेंगे, मैंने भी नहीं किया। या अल्लाह, बुध एडम, रेव एंड जा रहा है, मेरी सारी दुनिया झुक गई है। आप जानते हैं कि आपको क्या जरूरत है? सर में गोली, एक लिबास, मेरे पास पहले से ही एक है। वो नहीं जिसमें आपने यहाँ दिखाया, वो चीज़ एक फैशन इमरजेंसी थी। यहाँ तक कि बिजली भी जिंदा नहीं हो सकती थी। बात मुझे यहाँ बैकअप करो, तुम्हें कुछ चाहिए जो चिकाए? पहली तारीख, पीछे खड़े हो जाओ कति, मैं पहुँच गया हूँ और मैं सिर्फ जगह जानता हूँ। ये किस कसम का डिस्टोपियन हेल्थकेप है? हमारी पहली रोमी शॉपिंग हुजूम डांस कमिटी थीम से मुमासिल तमाम सफेदों को तजवीज़ करती है, लेकिन ये हमारे साथ उड़ नहीं सकेगा। मेरे पास डांस के लिबास के बारे में फ़कर करने से ज़्यादा दुबाव का कारोबार है जिसमें मैं शिरकत नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ने सोचा कि हम बंधन हैं। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ आपको ससत करूँगा। तुम गजाला हो, मैं एक जख्मी चिड़िया हूँ। मुझे ढीला कर दो और पैक के साथ दौड़ो। क्या तुम्हें यकीन है? मैं गैलपिन को देखने जा रहा हूँ, मैं रुकना नहीं हूँ। हेलो बुध, वो लिबास यकीनी तौर पर कुछ सर फेर देगा। क्या आप अपने दफ्तर के लिए मजीद खैर मुल्की टर्नकेट्स जमा कर रहे हैं? वो मेरे सफर की यादगारें हैं। इस तरह मैं अपने कम्फर्ट जोन से बाहर कदम रखता हूँ। जिसके बारे में बात करते हुए, किया आप इस हफ्ते के आखिर में रेव एंड जा रहे हैं? मुझे आपके सवालात के जवाबात देने की ज़रूरत नहीं है, किया मैं हूँ। मैं अपने अगले सेशन में इसके बारे में बात करने का मुंतज़र हूँ।
हम दोनों जानते हैं कि वह एक इफरीत है। अगर हम इसे रोकने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हम अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखें और मिलकर काम करें। और ये मेरे लिए आपका दाव है कि मैं आपका सौदा करूं। मुझे अफसोस है, आपको इससे बेहतर करना पड़ेगा। अगरचे आपको कुछ अच्छी तफसील मिली, मैंने इसे नहीं खींचा। मुझे ये जानने की जरूरत है कि किसने किया। जब तक हम एनटील का तबादला नहीं कर रहे हैं, मुझे ये कहने की आज़ादी नहीं है। मैं हाई स्कूल के एक बच्चे के साथ कत्ल की जारी तहकीकात के बारे में मालूमात किम शेयर करूंगा, क्योंकि मैं नेवमा में जाता हूं और आप नहीं जाते। क्या आप इन आईवी से ढकी दीवारों के पीछे उनकी और कान नहीं चाहते? सुनो वेलमा, आप और सकूबी गैंग अपने होमवर्क पर क्यों कायम नहीं रहते और तफ्तीश पेशा बरों पर क्यों नहीं छोड़ते? क्या मेयर बाकर लाइन दो पर हैं? वो अपडेट की तलाश में है। अरे एडम, मुझे वो खाका दोबारा देखने दो जिस शख्स ने ये खिंचा कि आपका मुश्तबा। जब आप मेरे पास कोई ठोस सबूत लेंगे तो शायद हम बात करेंगे। हम मेयर, सब कुछ शानदार हो रहा है। मेरा छोटा सा समंदरी अर्चन, ये खौफनाक है। ये दरअसल इसका गाना है। अगर मैं एनिड से बात करूं तो क्या ये ठीक है? फकर ना करो, मैं इसे संभाल सकता हूं। शुक्रिया, मैं हूं लोकास वाकर, मेयर का बेटा। हाल ही में चेयर कप्तान कुर्सी समंदर से अलहदगी हुई प्यारी ब्रूनेट जो इसके सुपरे टेन पर नजर सानी करने की जरूरत है। ये कदरे खौफनाक है। मेरे पास गपशप के लिए नाक है और मैं टिकटॉक पर आपके आधे गरड़े की पैरवी करता हूँ। हम और मेरे रूममेट ने आपके बट को दो बार लात मारी। बुत एडम आपका रूममेट है? जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि ये कोई बेतरतीब मुलाकात नहीं है। तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो लोकास वाकर? आपको कुछ चाहिए होगा। मुझे एक दोस्त मिला है जो हावटा कैवचर में काम करता है। इसने सुना है कि आप रेव एन की तारीफ की तलाश में हैं। शायद हम एक दूसरे की मदद कर सकें। ये पूछना नहीं चाहता कि अब आप किस मुसीबत में हैं। कुछ भी नहीं जो मैं संभाल नहीं सकता। आपके वालिद आज खास तौर पर मायूस किन शक्ल में हैं। इज्तिनाब करें। जी हूँ, मेरी दुनिया में खुशामदीद। आप लोगों के पास इस हफ्ते के आखिर में रेव एन है, ठीक है? आज वेदर वैन में ये सब बुझ था। मैं सिर्फ वही हूँ जो इस अहमकाना रकस का शिकार नहीं हूँ। तो तुम नहीं जा रहे हो? दरअसल मैं खुद को बचाने के अमल के तौर पर किसी से पूछने पर मजबूर था। यकीनन ऐसा होता है, मुझे लगता है। तो ये कौन है? जावियर, ये मिल गया। उम्मीद है आप दोनों को मजा आएगा। मुझे यकीन नहीं है कि आप क्यों परेशान हैं। ये एक कसम का मसला है। मेरा मतलब है, मुझे पागल कहते हैं बुध, लेकिन आप मुझे ये इशारे देते रहते हैं। ये मेरी गलती नहीं है, मैं आपके जज्बाती मोरस कोड की तर्जुमानी नहीं कर सकता। फिर मुझे इसकी हजय करने दो। मैंने सोचा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन फिर आप कुछ इस तरह खिंचते हैं और मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। क्या मैं दोस्त से ज्यादा जोन में हूँ या किसी खेल में सिर्फ एक पियादा जो आप खेल रहे हैं? मैं अभी बहुत कुछ कर रहा हूँ, मुझे तरजीह देने की जरूरत है। इसे साफ करने का शुक्रिया। मेरा अंदाजा है, अगर मैं कभी आपके काम की फहरसत में इजाफा करूं तो मुझे कॉल करें। एक लफ्ज भी नहीं, इनिक मुझे इसे अपने हॉस्टल में रखने नहीं देगा। कोई गम नहीं, मी कमना एसु कमना। मी फर्ज करता हूं कि ये वो मखलूक है जो जंगल में भाग रही है। आपने इसके बारे में पहले सुना है? अफवाही मिस्टर फटस ने अगले नोटिस तक मुझ पर कीड़े का शिकार करने पर पाबंदी लगा दी। दावा किया कि एक रीच कीले पर था जिस के बारे में मैं जानता था कि ये झूठ था। इनके हाइबरनेशन के निजाम अलावकात से मेल नहीं खाता। तेज पंजों वाले राक्षसों के बारे में बात करते हुए, किया आप ये अपने रोमी को दे सकते हैं?
मेरे लिए कोई अच्छा लफ्ज बताएं। मैंने सुना है कि वो अभी भी रेव इनकी तारीफ के बगैर है। योजी, मैं जानता हूँ कि इसके मुझसे पूछने के इम्कानात सफर के करीब हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं अपने आप को वहां से बाहर रखूंगा जब तक कि इन्हें मुझे नहीं देख लेता, और अगर वो कभी नहीं करती वो करेगी। मैं लंबा गेम खेल रहा हूँ। मेरी मुँह कहती है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, वो शायद मुझे बेहतर महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुनो, मेरे और आप जैसे लोग, हम अलग हैं। हम असल मुफिक्रियन हैं, जवानी के इस बसी सेसपूल में निडर आउट लेयर्स हैं। हम कौन हैं इसकी तौसीफ करने के लिए हमें गुजरने की इन बेहुदा रसूमात की जरूरत नहीं है। तो आप भी रेव एन नहीं जा रहे हैं? दरअसल मैं हूँ जाबिर के साथ। मैं समझ गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं जाबिर को पसंद करता हूँ, मेरे पास सिर्फ खुफिया मकासद हैं। खाके इस चीज़ को रोकने और रोकने की कोशिश करने के लिए मेरे पास सबसे करीबी चीज़ है, वो हका। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। मुझे दिखाओ। ये यकीनी तौर पर एक मैच है। तुम यहाँ बाहर किया कर रहे थे? नमूने जमा करना। ये जगह सैनिक खाना बदोश केड़ों के लिए जीरो है। आपको लगता है कि ये वहम है? मालूम करने का सिर्फ एक तरीका। मैं बंद जगहों का बहुत बड़ा परसतार नहीं हूँ। मैं क्लास्ट्रोफोबिक हूँ। अगर आप मुझे खूनी कत्ल की चीखते हुए सुनते हैं तो एक अच्छा मौका है कि मैं सिर्फ अपने आप से लतीफ अनदूज हो रहा हूँ। ये यकीनी तौर पर इसकी खूह है। किया वो इंसान है? नहीं, मुझे लगता है कि इसे हरन का जायका मिला है। इसको देखो, यह तजी वो किया है। ठोस सबूत। ठीक है, मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगा। मुझे सिर्फ पंजू के डी नेशनल असेंबली से मुमासिल कुछ तलाश करने की जरूरत है। तुम किया कर रहे हो? आप कैसे जानते हैं कि इफ्रीत कैसा लगता है? या ये सब सिर्फ सेल्फ पोर्ट्रेट हैं? किया, आपको लगता है कि ये मैं हूँ? मैंने तुम्हारी जान बचाई। राक्षस ने भी ऐसा ही किया। या वो तुम थी जिस रात रावण को मारा गया था? आप अब लाइन से बाहर हैं। मैं हकीकत से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, और लगता है कि आपके फन मैं बार बार चलने वाली शक्ल है। ये मखलूक हफ्तों से मेरे ख्वाबों का शिकार है। मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता, तो मैं बस यहाँ आकर पैनट करूँ। जब मैं इसको पैनट कर रहा था तो पंजे बाहर पहुँच गए और मुझ पर एक सौप किया। इस तरह मुझे ये मिल गए। मैंने सोचा कि आप अपनी सलाहियत को कंट्रोल करने के काबिल हैं। नहीं, जब इसकी बात आती है शायद ये आपका ज़मीर मुजरिम है। मैंने तुमसे कहा कि मैं राक्षस नहीं हूँ। ठीक है, आपने अभी इसकी तस्वीरें खींची हैं जंगल में इस कीखू के मकाम तक। ये कुछ खूबसूरत वशत ख्वाब हैं। आप यहाँ में थे इससे पहले जब मैंने तुम्हें बाहर पकड़ा था? यही वजह है कि आपने मुझसे रेव एन को पूछा। कोशिश करें और रिहाता करें। आप नाकाबिल यकीन हैं। ये जाती कुछ नहीं है। नहीं, ये आपके साथ कभी नहीं होता है ना? मेरा मतलब है, क्या आप बुत को भी किसी की या किसी चीज की परवाह करते हैं? बाहर निकल जाओ। हम मैं जानता हूँ कि अनीज आमतौर पर हुआ के लिए 3 शीट होती है, लेकिन वो मेयर को फोन करती रहती है, और वो भी ऐसिंग है कि पुराना गीटस की जगह पर लाइटस जल रही हैं। लिहाजा ड्राई बाई करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भीड़ नहीं है। ये इफ्रीत का पंजा है, और ये एक मुमकिना मुश्तबा शख्स से खून का खुशक नमूना है। इसने इसे अपनी गर्दन पर खरुंच डालने के लिए इस्तेमाल किया। डी नेशनल असेंबली टेस्ट करवाएं और देखें कि आया वो मैच करते हैं। मुझे अफसोस है कि मैं आपके लिए काम करता हूं। आपने ठोस सबूत मान गए कि ये है। आपको ये कहां से मिला और मुल्जिम कौन है? पहले टेस्ट करो, फिर मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं गेम्स नहीं खेल रहा हूँ एडम।
ना ही मैं हूँ शरीफ। बर्नीस बरा करम मुझे डी नेशनल असेंबली की इजाज़त का फारम लाओ। हमम, इतनी बदतमीजी क्यों? दोपहर के खाने पर रीनिक को देखा, पूछा कि किया इसे मेरा शहद मिल गया। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको खबरदार नहीं किया था, चूंकि ना आपकी और ना ही मेरी डांस की तारीफ है, हमें एक साथ जाना चाहे। किया, नहीं, मैं तजवीज़ करने जा रहा था कि हम गार से बाहर निकलें और इफ्रीत की शनाख्त करें, चाहे कोई भी हो। तो मैंने सुना है कि शायद आप कल रात आज़ाद होंगे। शुक्रिया, ठीक है, इसके साथ मज़ा करो। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत खूबसूरत। इस साल के रेब एन में खुशामदीद। हाँ, खूबसूरत, कितना अच्छा टॉप, मेरे लिए रक़स करो। रेब एन में खुशामदीद। ठीक है, यह एक ऐसी रात है जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। मुहतात रही कि आप क्या चाहते हैं। आप एक बार नवमा तालिब इल्म थे, क्या आपको रेब एन के बारे में उम्मीद और जोश से भरा होना याद नहीं है? मुझे सिर्फ मायूसी याद है। जिस लड़के से मैंने पूछा, इसने मुझे दूसरी लड़की के लिए ठुकरा दिया। मोर्टीशी फरम हकीकत में बुद्ध की माँ। हाँ, इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी मक्के को ना मारे। हम आज रात एक भी गलती के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मियाँ रहा हूँ योजीन। अरे, किया आपने फ्लैश के लिए कोई इजाफी बैटरियों पकड़ी हैं? टाइलर, मुझे आपकी दावत मिली है, किया आपने इसे टिप जार में डाल दिया था। दरअसल अंदाजा, हमारी आखिरी गुफ्तगू के बाद मुझे यकीन नहीं था कि मैं आपसे दोबारा बात करूंगा, लेकिन ठीक है, आपका नोट बहुत हकीकी और मीठा, मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। मैं भी ठीक है, अब जब मैं यहाँ हूँ, मुझे खुशी है कि मैं आया हूँ। आपको चंद मिनट की ज़रूरत है, हकीकी और मीठा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने इसकी अदायगी कैसे की? बिल्कुल पंच उंगलियों की रियायत। बात मत देखो, वाह तुम देखो, नाकाबिल शनाख्त, मुजहका खेज, मर्दाना निगाहों के लिए ख्वातीन के इतराज़ की एक बेहतरीन मिसाल, हैरत अंगेज। मेरा मतलब है बुद्ध, तुम अच्छी लग रही हो। योजीन, बुद्ध किया हो रहा है, गार को बाहर निकालने का किया हुआ। बिल्कुल, मैं समझता हूँ, लगता है कि मैं खुद जंगल को चेक करूँगा। अकेले मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है, नीचे खड़े हो जाओ, हम कल रात इकट्ठा चलेंगे, समझा? एक गार बाहर स्टेकिंग, एक हमर कभी भी खतरे से पीछे नहीं हटता, अंदर कोई हीरो और ना ही विलन। अब आसान जिंदगी ये आपको आज़ाद करती है, किया ये एक मकरू सुनो मैन है। या अल्लाह, आप ये नहीं कह सकते, ये नागवार है, सही नाम येटी है, हम माफ कह जाए, किया यहाँ कोई जाता है अब और नहीं। वो 1950 की दुहाई से मदून हो चुके हैं। हमारी साइंस टीचर मुहतरमा तौनहिल ने इस साल डांस कमेटी की सरबराही की। वो चाहती थी कि रेब एन मुतल्लका महसूस करे, लिहाजा हमारा मौजू है मौसमियाती बुहरान, मादूमियत के वाकयात से मिलता है, लेकिन एक तफरीही अंदाज में। ठीक है, हमारे आखिरी रक़स का थीम हवाई की रातें था, येटटीनी। हाँ, मेरे खुदा, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे इसे ठीक करने दो। इनिड, मैंने सोचा कि ये आप हैं, किया ये आपकी तारीफ है। हम और वो मेरे साथ बेहतरीन वक्त गुजार रहा है, हम दोनों को ये डांस पसंद है, एक साथ मीठा, किया आपका मूड एक मखसूस पगटल गौथ लड़की के साथ है, वो यहाँ नहीं है। हम, तुम सही हो, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मुझे यहाँ आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आखिरी लम्हात की दावत की तारीफ करता हूँ। बुद एडम के बारे में मज़ीद बात नहीं करना, डेल यू इसे चेक करें। बुद को मुकम्मल तौर पर इस के कोकोन से बाहर निकल गया, मौत के सर कीड़े की तरह, किया आप बैनका का चेहरा देखते हैं, वो खुश होने वाली नहीं है। बुद एडम, किया खूबसूरत हैरत है, मुहतरमा थोर्नहिल, ये टाइलर है, गैलपिन, हाँ, डबल टोपी कोई झाग,
शुगर फ्री वनीला के दो पंप। ये एक छोटा सा शहर है, राज रखना मुश्किल है। मैं हमारे लिए कुछ मशरूबात लेने जा रहा हूँ। सारी जिंदगी तुम जैसे किसी का इंतजार करती रही, मैं सारी जिंदगी आप जैसे किसी का इंतजार करता रहा। ओ मेरे खुदा, मुझे नजर से मोहब्बत है, अगरचे तारीख का दिलचस्प इंतखाब, मैं भी यही कह सकता था। ऐसा नहीं है जैसा नजर आता है। अच्छा, किंग के इस हाजी के पास मेरी किताब में पहले ही दो हमले हैं। लोकास अपने साबिका को गैरतमंद बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं इजेक्स को हसद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक जीत है। बुध मैं उमन से आता हूँ। ये शर्म की बात है। मैं अपनी जेब से गद्दी ले आया। करूँ बस्ती की कसम, मैं सारी जिंदगी तुम जैसे किसी का इंतजार करता रहा। मैं सारी जिंदगी तुम जैसे किसी का इंतजार करता रहा। यकीन नहीं आता कि आप इसे लेकर आए हैं। तुम ये क्यों उठा रहे हो? गोया ये रकस काफी थका देने वाला नहीं था। तुम नहीं जानते कि इसने मेरे साथ क्या किया। मुझे रोशन करें। मुझे तुम्हारी पतलून के लिए बहुत अफसोस है। किया वो प्ले ऑफ हैं। कौन जीत रहा है, पेंगुइन या बतखें? आप परो हॉकी की पैरवी करते हैं। जिंदगी भर शारक परसतार, मैं बड़े भाइयों के साथ पिला बढ़ा हूँ। ये ऐसा ही था, हॉकी देखो वरना हम तुम पर तमाम टांगे फिपड़े जाएंगे। आपका मतलब वे ऑफ द ड्रैगन से टांगलंग है। अब तक की सबसे बेहतरीन कुंग फू फिल्म। तुम मुख्तलिफ हो। आप नीचे उतरने के लिए ऊपर हैं। योजिन उटिंगर। 2100 घंटे। गार में कोई हरकत नहीं, निशाने का कोई निशान नहीं। अगरचे मैंने अभी एक नायाब क्लब सैनक वाले टडडी की आवाज सुनी है। किया ये पतली पहाड़ी हुआ थी या येटटीनीज जो आपको मिली? जावीर ने मुझे बताया कि तुमने पिछले साल किया किया था। किस तरह आप और आपके दोस्तों ने आउटरीच रैपर इस पर हमला किया और इसके दीवार को तबाह किया। मुझे लगता है कि ये नागुजीर था। देखो मी, काश मैं कह सकता कि ये एक हादसा था या ये इतना बुरा नहीं था जितना कि लगता है, लेकिन मैं झूठ बोलता और वो मेरे लिए चीजों को बहुत खराब कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब है, मैं आपको लाख बहाने दे सकता हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं अब भी इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इस बोट कैंप में भेज दिया गया और मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा वो वर्जन नहीं है जो मैं बनना चाहता हूँ। एक तलख कस्बा जो हर किसी को इस गंदे हाथ का जिम्मेदार ठहराता है जिससे इसके साथ मुआमला किया गया है। देखो मैंने एक खौफनाक काम किया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं कोई खौफनाक शख्स नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं आपको किसी घटिया मजाक पर फैसला करने जा रहा हूँ? मैं इसे मजीद ले जाता जैसे स्विमिंग पूल में पैराहिन डालना। हम मिलने के बाद मैंने आप पर थोड़ा सा खोद लिया होगा। मैं इसे दोबारा करूँगा। मैं जानता था कि आपको पसंद करने की एक वजह थी। जब सूरज गुरूब होता है और चांद ऊपर आता है, मैं एक नॉर्मल गो 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 मिक में बदल गया हूँ। हम मैं शहर में सैर करता हूँ और गलियों में घूमता हूँ किसी ऐसी चीज की तलाश है जो खाने में अच्छी लगे। तुम बेहतर बतख। जब मैं जाहिर होता हूँ गु गु मक, मैं रात का हेड हंटर हूँ। कुछ सर की तलाश में हूँ, इस सर के नीचे से बाहर निकलने वाले जिस्म के साथ। हम मैं तुम्हें हासिल करूँ गा बचे थोड़ी किस्मत के साथ। किम के मैं एक नॉर्मल शीर हूँ और एक गो गो गोबर। तुम बेहतर बतख। जब मैं जाहिर होता हूँ गु गु मक। चलो भाई मैं अभी वापस आया। हाय हम शहर एक जंगल है और मैं एक दरिंदा हूँ। मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ लेकिन मैं कम से कम लूंगा। किम के मैं एक गो गो मक टाइगर और एक नॉर्मल जानवर हूँ। एक काम करो, जब मैं दिखाऊंगा तो आप बेहतर होंगे। अपना ताबीज उतारो और मुझे इसके बारे में भूल जाओ।
मैं यकीन नहीं कर सकता कि आप मुझसे ऐसा करने को कहेंगे। आपने कहा कि कोई तार नहीं है। आपने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि आपको लगता था कि मैं आपको अपने सायरन गाने से जोड़ रहा हूं। अब आप चाहते हैं कि मैं इसे किसी और लड़की पर काबू पाने में आपकी मदद करूं। लू गुमक, चलो चलो भाई, तुम इसे समझ गए, ले लो, इसे खिलाते रही, चलो चलो भाई। अकदाम अकदाम, मैं ये करूंगा। मैं सोच रहा था कि शायद ये इतना अच्छा ख्याल नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे वालिद को कोई धचका लगे, आप जानते हैं यार, हम ये सब करने की वजह तुम हो। करे कास्टिंग के फाउंटिंग को मारने के लिए, इन शैतानों से बदला लेने के लिए। मुझे मत बताओ तुम टाइलर की तरह नरम हो गए हो। चलो चलते हैं। योजी नूटिंगर, 2242 घंटे। मुमकिना मुश्तबा शख्स मकाम पर पहुंच गया है। या अल्लाह, जिसने भी ऊंची एयरने ईजाद की वो वाजे तौर पर एक टार्चर के तौर पर साइड हिस्टल था। जैसा कि मेरी प्यारी मुँह हमेशा कहती है, आग सोने का इम्तिहान लेती है, मुसीबत औरत को आजमाती है। मसाइब की बात करते ही, कहूँ है तेरी तारीफ, मैंने आपको और जावीर को डांस फ्लोर पर नहीं देखा। हमारा थोड़ा सा झगड़ा हुआ आपके बारे में, असल में तुम नहीं जानते के लिए कैसा है खूबसूरत और मकबूल होना। लोगों के हकीकी एहसासात को कभी नहीं जानना। अगर कोई मुझे मेरे लिए पसंद करता है, आपके ताबीज का किया होगा। ये फुल प्रूफ नहीं है, ये एक हल्का प्रूफी लिपटक है तो बात करने के लिए। उसी लिए जावियर ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। वो कभी भी मुझ पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकता था। सबसे बुरी बात यह है कि मैं कभी भी इसके जज्बात पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैं कभी नहीं जानता था कि आया वो हकीकी थे या नहीं। आप खुशकिस्मत हैं, जरूर कहो, आपको परवाह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सच में मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा और ख्याल रखता। ये बड़ी तकमील का वक्त है, यूं तकरीबन 11 बज रहे हैं, तो इसे आखिरी बार डांस फ्लोर पर ले जाएं। इससे पहले कि रेब एन कहे, कभी नहीं, जब मैं तुम्हें अपने पास ले आया, सारी रात मैं तुम्हारे साथ हंगामा करूंगा। मैं जानता हूं कि आपको मेरी पीठ मिल गई है और आप जानते हैं कि मैंने आपको हासिल कर लिया है। तो चलो चलो चलो, आओ आइए जिस्मानी हासिल करें, रोशनी खत्म, शोर की पैरवी करें। बच्चे नाचते रहो जैसे आप के पास कोई इंतखाब नहीं है। तो चलो चलो, आओ चलो आइए जिस्मानी हासिल करें। जरा सख्ती से पकड़ो, चलो पकड़ो मुझे, बताओ अगर तुम तैयार हो। बच्चे नाचते रहो, चलो। वो हकीकी खुनजीर के खून के लिए भी बहार नहीं ले सकते थे, ये सिर्फ पैनट है। बुद्ध, क्या तुम ठीक हो? योजिन जंगल में है, वो खतरे में है। तुम क्या कर रहे हो? मेरे वालिद को मतन भेजना, वो अपने रास्ते पर है। क्या आपने बुद्ध को देखा है? मैंने इसे खो दिया, मुझे कैसे मालूम होना चाहे वो आपकी तारीफ है। चलो, ये पागल था, चलो भाई इसे लो, चलो। तुमने ये किया, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं आपकी घटियापन में पर गया हूँ। एनेट करे कास्टिंग के मुजस्समे के बाद मैंने सोचा कि आप मुख्तलिफ हैं, मैंने सोचा कि आप मुझे पसंद करते हैं। भेड़िया बाहर, भेड़िया बाहर, भेड़िया बाहर, इससे दूर हो जाओ। चलो, क्या तुम ठीक हो? मैं इसके साथ जाना भी नहीं चाहता था, मैं आपके साथ जाना चाहता था। तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्योंकि आपने मुझे दूसरी रात उड़ा दिया और मुझे कभी नहीं बताया कि क्यों। मैं आपको बताने मैं बहुत शर्मिंदा था, लेकिन मैंने गलती से आईने में देखा और अपने सांपू से खुद को संसार किया। वाह, हमें चाहे हमें शायद इसे आहिस्ता से लेना चाहे। ठीक है, मुकम्मल तौर पर इत्तिफाक करता हूँ। योजिन, 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 बुद्ध यहाँ पर, योजिन, योजिन, या अल्लाह, किया वो जिंदा है। ब्लैक गोल्ड,
आई एम डेसी गोरा